नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। यह पूरे विश्व के लिए हैरत की बात हो सकती है कि एक भी मुस्लिम कंट्री आज तक एक भी वैक्सीन की खोज नहीं कर पाई है। उससे भी ज्यादा हैरानी है कि 53 से ज्यादा मुस्लिम देशों में एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जो कोरोना वायरस की वैक्सीन पर रिसर्च कर रहा हो। अगर इन्हें पिछवाड़ा उठाऊ गिराऊ मिशन दे दिया जाता तो यह दुनिया की आधी टेक्सटाइल्स मिल्स को टोपी तैमंद के ऑर्डर से जाम कर चुके होते। इनमें कई मुल्क तो ऐसे हैं जहां पैसे की कोई कमी नहीं है, परंतु इनकी बुद्धि इंशाअल्लाह और बिस्मिल्लाह के बीच झूले में झूल रही है। इससे पता चलता है कि मानवता के सही रक्षक केवल हिंदू, यहूदी, ईसाई, सिख और बौद्ध हैं। बाकी तो रेडिकल को रेडी करने वाली जमात है। इन 53 से ज्यादा देशों की उम्मीद आज भी भारत, अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन देशों पर लगी हुई है, जो मानवता की रक्षा के लिए रात दिन अनुसंधान में जुटे हुए हैं। यानी जब पूरी दुनिया संकट में है, तब भी कुछ रेडिकल इस्लामियों को अपनी कट्टरपंथी सोच की फिक्र सता रही है। इनमें सबसे ऊपर जो मुल्ला मुल्क है, उनमें पाकिस्तान और तुर्की का नाम सबसे ऊपर है। पाकिस्तान अपने पाले हुए आतंकियों को कश्मीर में धकेलने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा है, और तुर्की रेडिकल इस्लाम का नया प्रोदपन कर उभरने के चक्कर में है। 1 अगस्त को तुर्की राष्ट्रपति ने एक बार फिर से अपना फन उठाकर भारत को ललकारा है। इससे पहले सितंबर 2019 में तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप अर्दोगन कश्मीर पर हद से ज्यादा बकलोली कर चुके थे, लेकिन बाद में मोदी सरकार ने तुर्की की नकेल कसनी शुरू की तो एर्दोगन के तेवर ढीले पड़े। लेकिन पाकिस्तान से पिलाई गई इंशाअल्लाह की घुट्टी ने इस तानाशाह को फिर से कश्मीर रागल अपने को बेचैन कर दिया है। एर्दोगन ने हद पार करते हुए कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत पर कोरोना काल में भी कश्मीर में अत्याचार का झूठा आरोप लगाया है, जबकि सच्चाई है कि कश्मीर पर भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले एर्दोगन तुर्की में खुद एक कट्टर इस्लामिक तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं। इसी एर्दोगन की देखरेख में पाकिस्तान के बाद तुर्की भारत विरोधी गतिविधियों का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक केरल और कश्मीर समेत देश के तमाम हिस्सों में कट्टर इस्लामी संगठनों को तुर्की से फंड मिल रहा है। तुर्की भारत में मुसलमानों में कट्टरता घोलने और चरमपंथियों की भर्तियों की कोशिश कर रहा है। एर्दोगन की यह कोशिश दक्षिण एशियाई मुल्कों में अपने प्रभाव के विस्तार को बढ़ाने हेतु है। पिछले दिनों तुर्की के रेडिकल इस्लाम की बानगी दुनिया ने देखी थी, जब एर्दोगन ने 1453 तक रहे एक चर्च को पिछवाड़ा उठाऊ गिराऊ अभियान का हिस्सा बना दिया। अब यह चर्च सोफिया संग्रहालय से मस्जिद में बदल चुका है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने एर्दोगन के इस फैसले की जमकर तारीफ की, यानी मुल्लाओं का चूल्हा साझा होकर सुलगने लगा है। दरअसल एर्दोगन भी पाकिस्तान की मदरसा जमात को चूना लगाकर बड़ा गेम खेल रहे हैं। यह सर्वविदित है कि पाकिस्तान की मुल्ला कौमन आड़ी और जाहिल है, साथ ही कंगाल और अंतर्राष्ट्रीय भिखारियों में भी शामिल है। एर्दोगन पाकिस्तान के कंधे पर सवार होकर सऊदी अरब की बादशाह को चुनौती देने की कोशिशों में लगे हैं। पिछले साल एर्दोगन ने मलेशियाई पीएम मात्री मोहम्मद और इमरान लोंडे के साथ मिलकर नॉन अरब इस्लामिक देशों का एक गठबंधन तैयार करने की कोशिश की थी। इसके अलावा एक इस्लामिक टीवी चैनल शुरू करने की घोषणा की थी, मगर एर्दोगन की यह सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई है। मलेशिया के मात्री मोहम्मद तत्कालीन हो चुके हैं और अब वहां मोहिउद्दीन यासीन प्रधानमंत्री हैं। मात्री के साथ एर्दोगन और पाकिस्तान को भी संदेह है कि मलेशिया के सत्ता परिवर्तन में भारत और सऊदी अरब की बड़ी भूमिका रही है। कहा तो यहां तक गया है कि सऊदी अरब और भारत ने मिलकर यह पूरा गेम खेला है। पिछले साल कुआलालंपुर में मात्री मोहम्मद ने गैर सऊदी अरब मुस्लिम देशों का एक आयोजन किया था, जिसमें एर्दोगन भी शामिल हुए थे। इमरान भी वहां जाना चाहते थे, पर सऊदी अरब के दबाव की वजह से लोंडा उसमें भाग नहीं ले पाया। महातिर मोहम्मद की गुस्ताखी उन्हें इतनी भारी पड़ी, जिसकी कीमत उन्हें अपनी कुर्सी गवा कर चुकानी पड़ी, जिसके बाद से एर्दोगन भी भीतर ही भीतर तिल मिलाए हुए हैं। दरअसल सऊदी अरब भी इस्लामी देशों में तुर्की के बढ़ते कद से फिक्रमंद है। पाकिस्तान जिस प्रकार तुर्की की कठपुतली बनता जा रहा है, उसने भी सऊदी अरब की बेचैनी बढ़ाई है। खासतौर से इस्लामिक सहयोग संगठन को बचाने के लिए सऊदी अरब को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यहीं से भारत और सऊदी अरब के रिश्ते ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि तुर्की केवल भारत का ही नहीं सऊदी अरब का भी प्रतिद्वंदी है। पाकिस्तान के तुर्की का मोहरा बनने से अब सऊदी अरब उस पर भी बनना रहा है, क्योंकि दक्षिण एशिया में यही मदरसा मुल्क तुर्की के कट्टरपंथ का सबसे बड़ा प्रस्तावक है। एर्दोगन दक्षिण एशिया में रेडिकल इस्लाम का विस्तार करके तुर्की को इस्लाम का शुभचिंतक के रूप में स्थापित करने के प्रयास में है। इसके लिए कश्मीर मुद्दा एर्दोगन के लिए संजीवनी जैसा हो सकता है। एर्दोगन कश्मीर के मुसलमानों की आवाज के रूप में नौटंकी करके अपने कट्टरपंथी मंसूबों को हवा देने की चाल चल रहे हैं। वैसे कश्मीर से तुर्की का कोई आत्मिक रिश्ता नहीं है, और ना ही तुर्की मुसलमानों का कोई बड़ा हितैषी है।
अगर एर्दोगन इतने बड़े मुल्ला मसीहा होते तो तुर्की के अपने लोग ही जो चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के रूप में पीएलए के डंडे खाते हैं उन पर एर्दोगन एक शब्द भी नहीं बोले। तुर्की के उइगर वंशजों की चीन में दाढ़ी बुरके सब प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, उन्हें पिछवाड़ा उठाने गिराने तक की छूट नहीं है या कुरान तक रखने पर चीन ने बैन लगाया हुआ है। पर चीन के अत्याचार पे पाकिस्तान के तो छोड़िए, उइगर का नाम आते ही एर्दोगन भी तशरीफ दबाकर बिल में घुस जाता है। मगर बावजूद इसके भारत सरकार ने कश्मीर में यह नीति नहीं अपनाई है या मौजूद लोकतंत्र का दुरुपयोग सबसे ज्यादा पाकिस्तानी पिट्ठुओं ने ही किया है। पर एर्दोगन और पाक के भिखारी मुल्लाओं की मानसिकता हितेशी वाली नहीं अपने हित साधने वाली है। लेकिन अब यह खेल तू डाल डाल हम पात पात में बदल रहा है। सऊदी भारत का गठजोड़ एर्दोगन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए एक और मलेशियाई प्रकरण की पुनरावृत्ति तुर्की में करा सकता है। एर्दोगन 28 अगस्त 2014 को तुर्की के 12वें राष्ट्रपति बने थे। तुर्की में एर्दोगन की तुलना सद्दाम हुसैन, बशर अल असद और मुअम्मर गद्दाफी जैसे तानाशाहों से की जाती है। तुर्की की वामपंथी पार्टी और कुर्दिश वर्कर्स पार्टी एर्दोगन के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। सलेटिन डेमिरेटस एक ऐसा नाम है जो एर्दोगन की सत्तारूढ़ पार्टी एकीपी के मुखर आलोचक रहे हैं। वह दो बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं मगर एर्दोगन ने उन्हें जेल में डाला हुआ है। अब कुर्दिश वर्कर्स पार्टी और डेमिरेटस एर्दोगन के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहे हैं। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि एर्दोगन विरोधी तमाम बड़े दलों और प्रमुख व्यक्तियों को सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है। इन्हें अमेरिका, फ्रांस और मिस्र तक मदद दे रहे हैं। कुर्दिश वर्कर्स पार्टी किसी भी हाल में एर्दोगन को सत्ता से बेदखल करने की कोशिशों में जुटी है, यानी एर्दोगन की पहले उसी के घर में घेराबंदी की जा रही है। जिस राह पर मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद गए, एर्दोगन के लिए भी उसी की राह के नए दरवाजे तैयार हो रहे हैं। यूं भी दुनिया में मौजूद मुल्ला मुल्क में लोकतंत्र नाम की कोई चिड़िया नहीं उड़ती है। यहाँ गद्दी को लेकर हर वक्त संघर्ष चलता रहता है जिसका फायदा विदेशी ताकतें बड़ी आसानी से उठा लेती है। एर्दोगन की बकलोली से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे दो चार कुकुर के भौंकने से कश्मीर में पत्ता भी नहीं हिल पाएगा। एक दशक पहले तक पूरा ओआईसी कश्मीर के खिलाफ उछलता था, तब भी कश्मीर पर कोई आंच नहीं आ पाई। आज तो भारत का नेतृत्व एक ऐसा नेता कर रहा है जिसके सामने न जाने कितने एर्दोगन और पाकिस्तान पानी भरते हैं। मोदी जानते हैं कि भारत के खिलाफ जीभ हिलाने वाले और अपनी उंगली उठाने वालों का सही इलाज क्या है। कम से कम महातिर मोहम्मद से इन मुल्ला नेताओं को जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी कुर्बानी महातिर मोहम्मद ने ही दी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।